पिछली बार हम सोचे थे कि आज से 4-5 महीने पहले कि अब घर पे जाएंगे तो 1 से 2 वो कर जाएंगे, घर पे बहुत सब खुश रहेंगे, फिर सबके लिए एक रिटर्न गिफ्ट रहेगा, रक्षाबंधन पे जाएंगे अपने मायके, सब बहुत खुश होंगे, मेरे भाई को एक भांजी मिल जाएगी, मेरा भाई मामा बन जाएगा, मेरी बहन मौसी, मेरे मम्मी पापा नाना नानी, और मेरी जो नाना नानी है वो पर नाना पर नानी, लेकिन खाली हाथ ही लौट के आए। और 5 का त्यौहार का दिन, रक्षाबंधन के दिन आज मेरा, मेरी मम्मी का, पापा का, बहनी का, सबका तबीयत खराब है। मुहूर्त 2:30 बजे के बाद है राखी का, देखते हैं तब तक सही हो पाते हैं कि नहीं, दवा लेने जाएंगे अगर डॉक्टर का क्लिनिक खुला होगा तो। अभी दवा खाए थे तो सब वॉमिटिंग हो गया सब, इसे कहते हैं सोचा हुआ कुछ भी नहीं होता, पूरा दवाई बाहर आ रहा दोनों, हाँ उल्टी हो गया दोनों दवाइयाँ, बुखार अब लग रहा है कम होगा धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है क्योंकि जितना ज़्यादा पसीना होता है बुखार उतना जल्दी सही होता है, देखते मेरा सही हो पाता है कि नहीं। हालत खराब है एकदम, त्योहार के दिन ही ऐसा होता है, ऐसे भी तैयार हो गए हैं, और ये बहनी है ये भी अभी तैयार होगी, तैयार हो जाना, पहले तुम तैयार होने दीजिए, अबे तैयार हो रहा है, पहनोगी वाला कपड़ा पहन लो ये वाला कपड़ा पहन लो, हटो उधर बैठो, उधर हाँ उधर बैठो, हाँ वहीं बैठ जाओ, चाहे कोना बैठे, मेरे भाई को करिया हुआ जामुन नहीं पसंद आ रहा है, इसके लिए रुष्ट है, व्हाइट वाला इकट्ठा खा जाता था, ए उमा से का होत हो, आधा आधा रख लिया मम्मी, नहीं दो हो गया पूरा, नहीं दे दो एक उसमें से, दीदी का हम लोगों को ढेर सारे पैसे धन बढ़िया बढ़िया गिफ्ट कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ठीक है, सिर्फ एक वादा करो तुम्हें बहनी, याद रखो बस एक वादा करो कि जिस तरीके से तुम मेरा बहनी का मान सम्मान करते हो उसी तरीके से तुम समाज में हर एक लड़के का मान सम्मान इज्जत करोगे, करते ही हैं वाला करो कि तुम हमेशा करोगे, नहीं करते हो पता है लेकिन आगे भी करते रहोगे, ठीक है हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन,
बहुत ही गर्मी हो रहा है। बाप रे बाप। मेरा भाई बहुत ही ज्यादा दुखी है कि हमारे घर में गुलाब जामुन आया था। प्यारी माता श्री अपना हाथ जला ली हैं खाना बनाते वक्त। तो इस घर में अभी रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे नया नया कांड पाहुल मिल रहा है सबको। कोई का भी तबीयत ऐसा नहीं है जो सही है। भाभी खुद बीमार है। वो नहीं ना वैसे बहुत तगड़ा। आज गुंजन भी आए थे राखी बंधवाने लेकिन भाभी नहीं आई थी। शरीर में इस पे दवाई लगाओ मम्मी। अभी लाख लगा रहे हमारी म्याऊ को राखी बांध रही है। म्याऊ आराम से सो। शादी के बाद ये मेरा पहला रक्षाबंधन था। राखी वाखी हम लोग बांध लिए खत्म हो गया। और आप लोग का रक्षाबंधन कैसा बीता कमेंट करके जरूर बताइएगा।